14 जनवरी को सुसनेर के ग्राम पंडला के जंगलों में मिली अज्ञात महिला के शव की पहचान कल कामाक्षी निवासी छिंदवाड़ा के रूप में होने के बाद आज पुलिस अधीक्षक आगर राकेश कुमार सागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए बताया कि महिला के फौजी पति अर्जुन फौजी ने ही 5 लाख की सुपारी देकर महिला की हत्या करवाई है और सुपारी लेकर महिला की गला घोटकर हत्या करने के 3 आरोपी बाल सिंह सेंधिया निवासी पागरिया राजस्थान, कैलाश लाल मेहरा निवासी नंदपुर राजस्थान, देवेंद्र चौधरी ग्राम डमडमा निवासी एसपी ने प्रकरण का खुलासा करते हुए बताया कि अर्जुन फौजी ने कामाक्षी को शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध संबंध बना लिए थे, पर इसके बाद वह शादी के लिए मना करने लगा। इसकी शिकायत मृतिका कामाक्षी द्वारा पुलिस में की गई थी। हालांकि शिकायत के बाद अर्जुन फौजी शादी के लिए राजी हो गया और उसने आर्य समाज पद्धति से कामाक्षी से विवाह कर लिया और फिर उसे राजस्थान के गाँव पगारिया में एक कमरा किराए में दिला दिया। इसके बाद अर्जुन फौजी ने आरोपियों को 5 लाख की हत्या की सुपारी में से 3.5 लाख एडवांस दिए। जिसके बाद आरोपियों ने मृतिका को 13 जनवरी 2021 को यह कहकर कि उसका पति अर्जुन फौजी उसे आगर बुला रहा है अपने साथ स्विफ्ट कार में बिठा लिया और फिर बीच रास्ते में गला घोट कर कामाक्षी की हत्या कर दी। अभी चूंकि हमारा अभी हम लोगों ने चूंकि इस अनुसंधान क्योंकि आर्मी में नौकरी कर रहा है तो हम लोग का अनुसंधान में जो है पूरा तथ्य आ गए हैं, तो इसको हम जो है विशेष टीम भेजकर वहाँ जो आदमी हेडक्वार्टर है वहाँ पत्राचार करके और चूंकि मैं अनुसंधान के उनको अवगत करा के उसकी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे, क्योंकि वो अभी आर्मी में और आर्मी का जो सेटअप अलग है चूँकि उनके अधिकारियों से पहले परामर्श करके और अनुसंधान में हमें आवश्यकता है, तो ये सब चीज़ को उनको लिख के हम लोग दे रहे हैं ताकि उसमें उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाए। हाँ नहीं, उसमें आरोपी है और इस प्रकार उसकी गिरफ्तारी भी हम लोग जल्दी कर रहे हैं। इसमें अपराध जो घटित हुआ है, अपराध घटित होने का क्रम जो भी रहा हो, लेकिन डेड बॉडी अपने क्षेत्र में मिली थी, ये पाड़ला में ये घटना है 13 तारीख की, 13 जनवरी के को रात के समय ये डेड बॉडी वहाँ पड़ी डाली गई थी और ये 14 तारीख को हम लोगों को सूचना प्राप्त होने पर मर्ग कायम किया गया। और पुलिस के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि जो बालिका थी मतलब मेहरा थी वो अज्ञात थी और आरोपीगढ़ भी अज्ञात थे। इसमें हमारी पुलिस की जो टीम है उसमें एडिशनल SP और SDOP साहब और बाकी उनका पूरा अमला थाना प्रभारी मिला के सभी के द्वारा इसमें अहम भूमिका का निर्वहन करते हुए और इस पूरे प्रकरण को उन्होंने मात्र करीबन दो दिन में ये चिन्हित कर लिया कि इसमें जो महिला है वो किसकी जिसकी हत्या की गई थी उसको चिन्हित किया। और इसके बाद फिर उन व्यक्तियों तक पुलिस पहुंची कि इनके द्वारा ये घटना का अंजाम दिया गया। इस घटना में ये था कि जो मृतका कामाक्षी नाम की लड़की थी जिसने एक अच्छा तैयारी कर रही थी कंपटीशन की और उसका एक उसी के छिंदवाड़ा का निवासी अर्जुन पवार से उसकी मित्रता हुई और इसके बाद उनने शादीवादी क्या उनका जो क्रम था शादी के बाद उसने जब उसके परिजनों ने ये कहा कि शादी के लिए उन्होंने स्वीकृति नहीं दी तो उसने उसका जो मित्र जिसका नाम देवेंद्र चौधरी है तो देवेंद्र चौधरी से उसने बात की तो देवेंद्र चौधरी ने ये कहा कि मेरी जो बहन है उसकी ससुराल बालू सौदिया के यहाँ है वो पगारिया का रहने वाला है तो बोले वहाँ हम इसको रखवा देते हैं। इसके बाद उन्होंने वहाँ मकान से किराए का मकान लेके वहाँ उस लड़की को रखवाया। 2-3 दिन वहाँ ये रहा अपना अर्जुन किसके बाद ये अपने आर्मी में नौकरी करता है और चला गया। कुछ समय बाद जो है उसका वेट करती रही आएगा पर वो आया नहीं तो ये लड़की वापस फिर छिंदवाड़ा आ गई। इसके बाद इसने फिर लिखापढ़ी का प्रयास किया और ये कार्रवाई की बात की तो फिर ये तय इसने आपस में हुआ कि आप इंदौर आ जाएं तो वो लड़की इंदौर आ गई। इंदौर के बाद फिर अर्जुन ने उससे बात कहा कि ऐसा करो कि हम इंदौर नहीं आ पाए आप पगारिया आ जाएं तो वो लड़की पगारिया पहुँचने के बाद उसने की गई है क्या मामला सामने। देखिए हमारा थाना सुसनेर के अंदर ग्राम पाड़ला जो राजस्थान का बॉर्डर एरिया है
इसमें मकर संक्रांति के दिन ये खबर मिली कि वहाँ ये अज्ञात महिला का सब मेला पड़ा हुआ है। इसमें हमारी टीम, इसमें SDOP SSP सभी टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया, हम लोग भी मौके पर। उसमें ये चिन्हित नहीं हम लोग कर पाए कि वो महिला कहाँ है, कोई सुराग नहीं मिला। इस पर फिर हम लोगों ने उसमें 10,000 का इनाम घोषित किया और इसमें पूरी टीम बनाई। टीम के द्वारा 2 दिन के भीतर ये पता लगाया कि इसमें जो महिला है वो छिंदवाड़ा की कामाक्षी के नाम से चिन्हित हुई और उसका जो हत्या है उसके पति ने सुपारी देकर 3 लोगों के सहयोग से, उसमें बालू सोंदिया पलारिया का है, इसमें कैलाश मेहर ये नंदपुर छावनी का, और तीसरा उसमें जो अपना देवेंद्र चौधरी छिंदवाड़ा का, 3 लोगों ने मिलकर हत्या की। और इसमें अर्जुन पवार जो मुख्य आरोपी है, जो इस महिला का पति, इसके द्वारा उनके खाते में करीबन 3.5 लाख रुपए उन्होंने भेजे। और इस प्रकार उसमें मुख्य आरोपी की भूमिका में वही है, क्योंकि उसी के द्वारा ये पूरा घटनाक्रम कराया। तो पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चौथा जो मुख्य आरोपी अर्जुन पवार, वो सेना में श्रीनगर में पदस्थ है, उसके खिलाफ हम लोग विभागीय तौर पर कार्रवाई करके उसकी गिरफ्तारी भी हम लोग कर रहे हैं। उसमें अभी गिरफ्तारी हो नहीं पाई। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आगरमालवा से आतिशान खान की रिपोर्ट।